2024 में मेष राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज जी उनके ऊपर क्या क्या फल देने जा रहे हैं, क्या क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं, साथ ही साथ शनि महाराज की जो दृष्टि होती है तीसरी, सातवीं और दसवीं, उसके क्या क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं मेष राशि में। 2024 में शनि महाराज जी क्या क्या आपको फल देने जा रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, 2024 में जो जनवरी से कुंडली बन रही है आपकी मेष राशि की, आपके वैसे स्वामी जी हैं मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल प्रथम राशि मेष राशि, एकादश भाव में शनि महाराज जी जनवरी से ही विद्यमान रहेंगे। पहली तारीख से ही शनि महाराज एकादश भाव में जो आपके लाभ का भाव है वहां पे विद्यमान है। पहला भाव ही इनका लाभ का है मेष राशि के लिए, जहां पे विद्यमान है आपकी कुंडली में वो लाभ का एरिया है, लाभ का क्षेत्र है, तो लाभ तो आपको मिलने ही जा रहा है। साथ ही साथ इनकी दृष्टि जब तीसरे भाव पे पड़ती है तो तीसरे भाव में आपकी कुंडली में मेष राशि के जो जातक हैं वहाँ पे गुरु महाराज जी लग्न में विद्यमान है। गुरु महाराज लग्न में विद्यमान है और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, नीच की दृष्टि जो होती है वो तीसरी पड़ती है लग्न के ऊपर, लेकिन सूर्य जो है वो आपके त्रिकोण में बैठे हैं जिससे उनकी पूर्णता दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ी है, तो गुरु इस समय मजबूत हैं। तो शनि महाराज गुरु के ऊपर नीच दृष्टि डालेंगे, उसके बावजूद भी बहुत अत्यधिक मात्रा में आपको लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि सूर्य की जो त्रिकोण दृष्टि है वो गुरु पे पड़ी हुई है। तो 2024 में लगते ही जनवरी आपको लाभ का प्रमाण मिलता हुआ दिखेगा, 2024 लगते ही आपको सिर्फ लाभ ही लाभ दिखेगा। साथ ही साथ जब इनकी सातवीं दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव में, जिसके अधिपत्य स्वयं सूर्य जी हैं, तीसरे के भाव के जो मालिक हैं वो सूर्य महाराज जी हैं, लेकिन कुंडली में आपके चंद्र बैठे हुए हैं, मालिक सूर्य हैं विराजमान, चंद्र हैं कारक जो हैं वो गुरु। कंफ्यूज मत होइएगा, राशि स्वामी जो आपके हैं सिंह राशि पांचवी भाव, वहाँ पे सूर्य जी हैं, चंद्रमा इस समय विद्यमान है उस राशि में, और साथ ही साथ उस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो गुरु हैं। गुरु की त्रिकोण दृष्टि आपके चंद्रमा पे पड़ रही है, साथ ही साथ त्रिकोण भाव में सूर्य जी बैठे हुए हैं, मंगल जी बैठे हुए हैं, तो शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके ऊपर पड़ रही है। इसके वजह से थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में डाउन हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ सूर्य जी त्रिकोण पे बैठे हुए हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रकाश कर देते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं और जहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ती है वहाँ पे जितनी भी दृष्टियाँ पड़ती हैं सब कमज़ोर पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि त्रिकोण के ग्रह सबसे मजबूत बोले जाते हैं। तो त्रिकोण के भाव में नवम भाव में आपके जो भाग्य का भाव है वहाँ पे सूर्य विद्यमान है और पूरी दृष्टि पांचवें भाव में पड़ रही है, इससे गुरु मजबूत हुए हैं। तो यहाँ पे चंद्र आपके शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनका दसवां भाव है, शनि का जो दसवां भाव है वो आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है, आपके कुंडली के अष्टम भाव में पड़ रहा है, उनकी दसवीं दृष्टि है वहाँ पे बैठे हैं बुध और शुक्र, वो कारक जो है अष्टम भाव के मंगल हैं, शनि हैं और चंद्र हैं। अष्टम भाव के कारक ग्रह जो हैं शनि मंगल और चंद्र हैं, और वहाँ पे जो विद्यमान है राशियाँ वो हैं शुक्र और बुध। शुक्र शनि के मैत्री ग्रह हैं, जब दसवीं दृष्टि शुक्र के ऊपर शनि की पड़ती है तो मित्र के शत्रु के भाव से पड़ती है, लेकिन फायदा ये होता है कि जितने भी आपके पत्नी सुख हैं, जितने भी आपके भौतिक सुख हैं उसमें आपकी वृद्धि हो जाएगी।
शुक्र के वजह से शनि की दृष्टि पड़ते ही मैत्री होने की वजह से आपके सुख समृद्धि में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो स्त्री पक्ष है, विवाह का पक्ष है, वहाँ पे आपको लाभ होने जा रहा है। लड़कों के लिए ये चीज़ है, लड़कियों के लिए क्या है, वहाँ पे बुध जो हैं वो विराजमान हैं, तो आपके बुद्धि में विकास होगा। आपके अंदर जो संशय चल रहा है किसी भी वस्तुओं को लेके, उससे आप निजात मिल जाएगा आपको। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि भी आपके लिए लाभदायक है, सातवीं दृष्टि भी आपके लिए लाभदायक है, दसवीं दृष्टि भी लाभदायक है, जब तक गुरुजी आपके लग्न में बैठे हुए हैं तब तक। तो मई तक आपको किसी भी तरीके का शनि को लेके कोई भी समस्या नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी शनि महाराज आपके कर्म के देवता हैं, कर्म के अनुसार फल दे सकते हैं। कुछ किया गया कर्म आपका आपके सामने आ सकता है, जिससे आप रोजाना में थोड़ा बहुत परेशान उथल पुथल हो सकते हो। शनि कुंडली में आपके अच्छे भी हों, फिर भी आपको शनि का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा कर्म कब जागृत हो जाए। इसलिए शनि को शांत रखने के लिए जो मैं उपाय बता देता हूँ, वो आप उपाय कर लीजिएगा। उपाय है, पहला मंत्र जो है शनि भगवान का बीज मंत्र, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिएगा। साथ ही साथ शनि भगवान की जो कनिष्ठिका उंगली है, वहाँ पर आपको राई के तेल से मालिश कर देनी है थोड़ी सी, हर शनिवार के दिन। इससे शनि भगवान आपके शांत हो जाएंगे। और शनि भगवान का ये जो मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम एमागजम छाया मातरंड जम्भुसम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो 11 बार। इससे आपके जो शनि हैं वो शांत हो जाएंगे। शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करिएगा, बजरंगबली की स्तुति करिएगा, इससे भी आपके शनि शांत हो जाएंगे। ये तो छोटे छोटे उपाय आप करते रहिएगा, शनि भगवान की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, आपके व्यक्तित्व में इतना निखार आना चाहिए कि आपके द्वारा बड़ों को सम्मान मिल सके, छोटों को प्रेम मिल सके, साथ ही साथ कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके, आपके साथ उठ बैठ सके, ऐसी आपकी प्रभुता होनी चाहिए। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।